वेलकम फ्रेंड्स, मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा किस तरह लैटेक्स में हम रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी को इंक्लूड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह करना होगा कि एक लैटेक्स फाइल को खोलना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक लैटेक्स फाइल खोला है, और उसके बाद उस फाइल को एज ए बिब फाइल या सोर्स फाइल सेव करना होगा। हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे। ये देखिए ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हम नाम देंगे उसका, जैसे मानते हैं प्रैक्टिस रेफरेंस वन, और इसे हम बिब फाइल एज ए बिब फाइल इसे हम सेव करेंगे। और हमें उसको वहाँ पर सेव करना है, वही सेम फोल्डर में सेव करना है जहाँ पर हमारा फाइल है, वो फाइल जिसमें हम इस रेफरेंस को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो मेरा ये फाइल ये डेस्कटॉप में है, और वो फोल्डर का नाम है रेफरेंस प्रैक्टिस लेटेक्स। तो मैं इस बिब फाइल को वहाँ पर सेव कर दूँगा इस तरह से। ये सेव हो गया। अब मैं फाइल खोलूँगा, सोर्स फाइल हमारा यहाँ से। ये हमारा फाइल है जहाँ पर मुझे ये रेफरेंस को इंक्लूड करना है। ये फाइल हमारा खुल रहा है। ये देखिए हम फाइल को देखेंगे। शुरू है डॉक्यूमेंट क्लास, मैंने डॉक्यूमेंट क्लास दे दिया है। A4 पेपर 11 पॉइंट पे है, ये आर्टिकल है। बिगिन डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं बिगिन डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर ये एंड डॉक्यूमेंट। अब इसके बीच हमें लिखना है This is for showing how to insert bibliography file। अब मान लीजिए मुझे साइट करना है, तो मैं यहाँ स्लैश साइट करूँगा। और कैसे करना है ये बहुत आसान है। हम यहाँ पर गूगल से जाएंगे, गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर से हम बिब्लियोग्राफी का फाइल का टेक्स्ट या बिब टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं इस तरह से। ये गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर टाइप करेंगे। अब देखिए गूगल स्कॉलर खुलेगा। गूगल स्कॉलर खुल चुका है। यहां से हमें जिस पेपर को टाइप करना है, साइट करना है, उसको हम टाइप करेंगे। जैसे मान लेते हैं मैग्नेटोग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन इन MFT, इसको हम यहाँ टाइप करेंगे। ये आ गया मैग्नेटोग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन MFT, और इसको हम सर्च करेंगे। यहाँ से ये हम सर्च किए, देखिए ये खुल चुका है। हम यहाँ पर इसको साइट जहाँ लिखा हुआ है क्लिक करेंगे, और ये साइट करने का अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग तरीके का साइटेशन का तरीका खुल चुका है। हम यहाँ नीचे बिब टेक्स्ट में जाएंगे। बिबटेक्स में जाने के बाद ये खुल गया। हमें इसे क्या करना है, कॉपी करना है पूरे को। कॉपी करके हमारा जो रेफरेंस फाइल है, जो बिब फाइल है, उसमें हमें इसको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया, और इस फाइल को क्या करना है, चला देना है। ये चल जाएगा। उसके बाद हम वापस से जाएंगे, हमारा जो मेन फाइल है यहाँ चले गए, और हमको यहाँ पर इंक्लूड करना है बिब्लियोग्राफी और उस फाइल का नाम। उस फाइल का नाम है, ये मैंने फाइल का नाम लिखा है, इस फाइल का नाम है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस फाइल का नाम प्रैक्टिस रेफरेंस वन। हम इस लिख देंगे PRACTIC प्रैक्टिस।
is REFERENC, reference 1, ये हो गया। और जहाँ साइट करना है, जो हमें हमने पेस्ट किया था, कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ से हम इसे लेंगे और ये यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है उसके बगल में, इसको हम वहाँ पर कॉपी करेंगे कॉमा से पहले तक। ये हम कॉपी किए और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर हमें वो साइट करना है। ये पेस्ट हो गया। अब बिब्लियोग्राफी का जो फाइल है लिखा हुआ है प्रैक्टिस वन रेफरेंस का, और ये बिब्लियोग्राफी स्टाइल है यहाँ पर IEEE। अब इसे हम रन करेंगे, ये देखिए रन हो रहा है। देखिए यहाँ पर साइट हो गया, दिस इज शोइंग हाउ टू इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, यहाँ पर नंबर वन आ गया और रेफरेंस ये पहला नंबर रेफरेंस आ चुका है। मान लेते हैं हमें कुछ और साइट करना है तो हम कर सकते हैं, लेट अस साइट अनदर आर्टिकल। अब यहाँ पर साइट हम करेंगे, फिर हम गूगल स्कॉलर में जाएंगे। यहाँ गूगल स्कॉलर में आ गए हैं, गूगल स्कॉलर से हम किसी और आर्टिकल जिसे हमें साइट करना है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, फोटोग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय सिल। देखिए क्या रिजल्ट देता है, हाँ ये आ गया। साइट करने के लिए फिर हमें यहाँ जाना है, हम यहाँ आए, फिर यहाँ से हम बिबटेक्स आर्टिकल को लेंगे, ये हमारा बिबटेक्स का साइट करने का खुल गया। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके हमें ये हमारा जो सोर्स फाइल है रेफरेंस का वहाँ पर इसको क्या करना होगा, कॉपी करना होगा, कॉपी करके पेस्ट करना होगा। ये हम इसे पेस्ट कर दिए, अब फिर से हमें इसको रन करना होगा और यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर हम इसे फिर से जहाँ पर हमारा मेन फाइल है वहाँ पर इसे हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमें साइट करना है, साइट, और इसको हम पेस्ट कर दिए। अब ये हमारा दूसरा रेफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर टू लिखाएगा और दूसरा रेफरेंस भी आ जाएगा। देखते हैं रन ट्रैक है, हम देख सकते हैं ये फाइल रन हो रहा है, देखिएगा दूसरा रेफरेंस भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा पहला रेफरेंस यहाँ पर है और ये दूसरा रेफरेंस यहाँ, और ये देखिए ये पहला और ये दूसरा। ठीक इसी तरह से हम बहुत सारा रेफरेंस जितने चाहे रेफरेंस हम अपने फाइल में टेक्स्ट में डाल सकते हैं।